विदिशा जिले की तहसील पठारी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी के पिछले वर्ष की खरीफ फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विसंगतियों और पात्र किसानों को बीमा न मिलने के विरोध में कलेक्टर के नाम जिला पंचायत सदस्य सुभाषिनी बहोत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। जिला पंचायत सदस्य वासनी बहोत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कमलनाथ सरकार के दौरान स्वीकृत किए गए फसल बीमा को भाजपा श्रेय लेना चाहती है। भाजपा सरकार के दबाव में अधिकारियों ने किसानों के साथ भेदभाव कर मनचाहे किसानों को लाभ देना चाहा और कई पात्र किसानों को फसल बीमा से वंचित भी रखा गया है। सुभाषिनी बहोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा हमेशा ही किसान विरोधी रही है। भाजपा किसानों के साथ समर्थन देकर पाखंड करती है। जिला विदिशा तहसील पठारी से आशीष सेले की रिपोर्ट। दिया है किस संदर्भ में दिया है? हमने आज किसानों के लिए ज्ञापन दिया है, उनको बीमा राशि नहीं मिली है, मुआवजा नहीं मिला है, फसलें बर्बाद हो चुकी है, इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है किसानों के संदर्भ में। किसानों के साथ लड़ाई लड़ती रहेंगे या फिर यहीं पर रुक जाएंगे? क्यों लड़, हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। तो बीजेपी आज जो ज्ञापन दे रही है हनोता बांध के, इस पे आपका क्या कहना है? बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। बीजेपी के लोग सिर्फ किसानों से छलावा कर रहे हैं और छलावा करते हैं और हमेशा से छलावा करते आए हैं। उन्हें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सिर्फ छलावे के लिए किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। आगे राजनीतिक या प्रशासनिक को किस स्तर की दबाव पे आकर एक खेत में जाकर सर्वे कर पटवारी लोग लौट आए और इसमें बीमा में और मुआवजे में काफ़ी विसंगतियां पैदा हो गई हैं और हमारे क्षेत्र के 3 हलके छूट भी गए हैं। क्यों छूटे? क्योंकि जो 2019 का बीमा आया है जो कमलनाथ जी ने डाला है उसमें इस प्रकार की कटौतियाँ क्यों की गई हैं, सबसे पहली बात ये है। और हम ज्ञापन और आंदोलन तो ये जारी रहेंगे और इसमें काफ़ी विसंगतियां जो देख रहे हैं हम कि कहीं कहीं 1.25 लाख रुपए आए हैं जो विशेष किसान हैं उनके, अभी हमें लिस्ट मौजूदा स्थिति में हमें बताई नहीं गई है। हमने पता किया है अपने गोपनीय सूत्रों से बैंकों के सोसाइटी के अंदर कि इस तरीके की अनियमितताएँ हुई हैं और वो लिस्टों में से नाम हटाकर लिस्ट वैसी ही जारी की जाएगी जो आम किसानों की जाती है, उन विशिष्ट लोगों में हटा दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।